गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली कहे तो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। GW8 में हम वोकल कैसे रिमूव करते हैं, मतलब एज ए कराओके फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो GW8 में ये फंक्शन दिया हुआ है, जिस वजह से ये कीबोर्ड बहुत अच्छा हो जाता है मेरे हिसाब से। तो आप देख सकते हैं, आपको चलिए दिखाता हूँ आपको फंक्शन। सेटिंग इसकी दिखाता हूँ मैं, बड़े ही ध्यान से देखें, गौर से देखें। तो भी मुझे थोड़ा सा इसका व्यू भी देना पड़ेगा। सबसे पहले मेनू प्रेस करेंगे, मेनू प्रेस करने के बाद हमने सारे एंगल से, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंटर प्रेस किया है। एंटर पहले मेनू प्रेस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे -1 सेटिंग। पहले मेनू प्रेस करेंगे, फिर हम -1 सेटिंग में जाएंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं Part 1 है, -1 सेटिंग में ऑन है और ये ऑन दिया हुआ है। तो लगभग सारे ट्रैक्स में ऑन है, 8 to 16, ठीक है, एग्जिट हो जाएंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। तो जब आप किसी भी USB प्लेयर से, इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें जब आप किसी भी USB को इसमें डालेंगे जिसमें आपका सॉन्ग है और जिसका वोकल आप अपने सॉन्ग का या अपने ट्रैक का, अपने गाने का आप वोकल रिमूव करना चाहते हैं, तो जब आप ये इसमें पेन ड्राइव लगाएंगे और उसको प्ले करेंगे, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं USB मेमोरी प्ले, ये प्रेस करेंगे तो इसमें लिस्ट आ जाएगी, इनमें लिस्ट आ जाएगी। तो जब लिस्ट आ जाएगी तो आप कर्सर से इसको घुमा सकते हैं जितना भी लिस्ट आएगा। उसके बाद जब आप इससे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट और स्टॉप से जब आप इसको प्रेस करेंगे तो गाना प्ले होगा। और आप देख सकते हैं उसके बगल में ये -1 सेंटर कैंसिल दिया हुआ। सेंटर कैंसिल मतलब होता है कि जो भी वोकल रिकॉर्ड होता है वो मोनो में होता है, मोनो होता है सेंटर चैनल। तो जब आप इसको प्रेस करोगे, जब आप गाना प्ले करोगे और आप इसको प्रेस करोगे, तो ये -1 सेंटर चैनल जो है वो आपका सेंटर चैनल रिमूव कर देगा। अगर आपके सेंटर में वोकल है तो वो वोकल रिमूव हो जाएगा, बाकी ट्रैक आपका बचता रहेगा। तो इस तरह से आप वोकल रिमूव आसानी से कर सकते हैं। ये ज़्यादातर लाइव परफॉर्म में काम आता है। जब हम लोग लाइव परफॉर्म करते हैं तो सपोज़ करिए कि अकॉम्पलीमेंट नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास हमारा बनाया हुआ कोई ट्रैक है और या फिर हमारा गाना सॉन्ग है, तो हम उस सॉन्ग को प्ले करके हम इसका सेंटर चैनल -1 ऑन द स्पॉट लाइव प्ले करके, ऑन द स्पॉट जहाँ जहाँ वोकल है वहाँ वहाँ इसको प्रेस करेंगे तो वोकल हट जाएगा और हम लाइव परफॉर्म कर सकते हैं उसी ट्रैक पे। तो ये बहुत अच्छा फीचर इसमें दिया हुआ है मेरे ख्याल से, और हम लोग यूज़ भी करते हैं। मैंने सोचा ये बताना इसके लिए आप सबको ज़रूरी होगा, क्योंकि आप सब अच्छी तरह इसको यूज़ कर सकें। जिनके पास GW8 है वो अगर लाइव परफॉर्म करते हैं तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैंने सोचा बता दूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।